आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किस तरीके से किया जाता है उस हम लोग प्रोसेस को जानने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें ये रीजन जानना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हम रिमूव क्यों कर रहे हैं। दो मेन रीजन होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करने के। सबसे पहला प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कोई ऐसा काम किया है जो उनके मॉरल वैल्यूज या फिर प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, जैसे करप्शन एक्टिविटीज हो या एटसेट्रा, कुछ भी जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर के डेफिनेशन के अंडर आता है, तब उन्हें हटाया जा सकता है। या फिर अगर इनकैपेसिटी हो या इनकैपेबिलिटी हो, मतलब उनमें वो योग्यता ना हो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, बट वो वहां पर पहुंच चुके हैं लेकिन अब ये अयोग्य साबित हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन में भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। नोटेबल पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपको ये रिमूवल प्रोसेस देखनी है तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल प्रोसेस है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत डिसाइड की गई है। अब इस पूरी की पूरी रिमूवल प्रोसेस में हमारे पास कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। नंबर वन इज, सबसे पहले अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो रिमूवल मोशन लाया जाता है। रिमूवल मोशन लाने के लिए या तो लोकसभा के 100 मेंबर्स उस रिमूवल मोशन पर सिग्नेचर करें या तो राज्यसभा के 50 मेंबर्स उस रिमूवल मोशन पर सिग्नेचर करें। जैसे ही ये रिमूवल मोशन लोकसभा या राज्यसभा से पास होता है या आगे बढ़ता है, तो इस रिमूवल मोशन को या तो आप स्पीकर को ट्रांसफर कर सकते हैं या तो आप चेयरमैन को ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कि अगर लोकसभा में वो मोशन आया है सो इट विल गो टू द स्पीकर, और राज्यसभा में आया है सो इट विल गो टू द चेयरमैन। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये हम सभी को पता है। नाउ अब मान लीजिए कि ये जो मोशन है वो लोकसभा में आया है और स्पीकर ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अगर स्पीकर इसको रिजेक्ट कर देता है इस मोशन को, तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है, रिमूवल प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती है। स्पीकर और चेयरमैन के पास ये ऑप्शन होता है कि वो इस मोशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करें। मान लीजिए अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये प्रोसेस आगे बढ़कर स्टेज नंबर 3 पे पहुंचती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि स्पीकर एक कमिटी बनाता है जिसमें बेसिकली 3 मेंबर्स होते हैं। ये 3 मेंबर्स कौन होते हैं? पहले मेंबर होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे मेंबर होंगे जितने भी हाई कोर्ट हैं इंडिया में। इस वक्त इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं, पहले 24 थे, आंध्र और तेलंगाना के पार्टीशन के बाद एक हाई कोर्ट और बढ़ा दिया गया है, तो अब टोटल 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं। और तीसरे जो मेंबर होते हैं वो स्पेशल ज्यूरिस्ट होते हैं। यहां पर एक चीज नोट करने वाली है दैट अगर सुप्रीम कोर्ट के आप किसी अदर जज को हटा रहे हो, सो फर्स्ट मेंबर वुड बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन मान लीजिए अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही रिमूव कर रहे हैं, सो जो फर्स्ट मेंबर रहेगा वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज रहेगा। अब ये जो पूरी की पूरी कमिटी बनी है, ये कमिटी अपनी रिपोर्ट बनाती है। अब जब हम लोग इस रिपोर्ट तक आते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट अजम्पशन ये होता है कि कमिटी ने जो ये रिपोर्ट बनाई है, या तो उस रिपोर्ट में उस जज को गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है या तो फिर उस जज को नॉट गिल्टी बताया जाता है। मान लीजिए अगर उस जज को यहां पर नॉट गिल्टी बताया जाता है तो ये जो रिमूवल की प्रोसेस है ये वहीं की वहीं खत्म हो जाती है और आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन मान लीजिए अगर उस जज को यहां पर गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है, तब यहां पर उन जज के रिमूवल की जो वोटिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। अब रिमूवल की वोटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो इस प्रोसेस में जो वोटिंग होगी वो स्पेशल मेजोरिटी के तहत होती है। स्पेशल मेजोरिटी के तहत कैसे होती है सर? जैसे कि मान लीजिए कि ये रिजोल्यूशन लोकसभा में लाया गया था, तो लोकसभा में पहले ये स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, एंड देन फिर ये राज्यसभा के पास जाना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये होता है देन प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, मतलब जिस दिन वोटिंग होनी है उस दिन जितने मेंबर्स लोकसभा या राज्यसभा में आए हैं उन प्रेजेंट मेंबर का 2/3। लेकिन ये जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होता है, ये टोटल मेंबरशिप का 1/2 होना चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि लोकसभा या राज्यसभा में उस दिन जितने लोग आए हैं, जितने लोग प्रेजेंट हैं, उसका 2/3 होना चाहिए, लेकिन वो जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है वो टोटल मेंबर का 1/2 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर लोकसभा में 300 लोग आए हैं तो 300 का जो 2/3 है वो 200 हो जाएगा। अब क्या ये 200 543 का 1/2 है? नहीं है,
तो इसे हम लोग बेसिकली स्पेशल मेजोरिटी नहीं मान सकते हैं। तो ये आपका जो स्पेशल मेजोरिटी का में जो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 है वो 543 का 1/2 होना चाहिए। सेम गोज विद राज्यसभा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग जो होगा वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप दैट इज 245 का 2/3 होना चाहिए। अब यहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अगर ये स्पेशल मेजोरिटी से दोनों में से किसी एक में भी पास नहीं होता है तो रिमूवल प्रोसेस वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जज को उनकी पोस्ट से नहीं हटाया जाता। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां पर ये दोनों जो हाउसेस हैं उस रिजोल्यूशन को पास कर देते हैं तो फिर हम ये मानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो अपनी पोस्ट से अब रिमूव हो चुका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर अब तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से रिमूव नहीं किया गया है इंडिया की हिस्ट्री में, और ना ही किसी प्रेसिडेंट को रिमूव किया गया। यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज की रिमूवल की प्रोसेस होती है एग्जैक्ट वही प्रोसेस A to Z हाई कोर्ट के जज की भी रिमूवल की होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, फेयर इनफ। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल प्रोसेस बिल्कुल से वही है जो हाई कोर्ट के जज की रिमूवल प्रोसेस है, और बिल्कुल वैसी ही प्रोसेस जो हमारे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स होते हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की भी जो प्रोसेस है वो भी एग्जैक्टली सेम है। सो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल की प्रोसेस समझ में आ गई है तो आप हाई कोर्ट और इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में बेसिकली तीन मेंबर होते हैं, 1/1+2 द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर इलेक्शन कमिश्नर, तो इन तीनों की जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम होती है। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का लेक्चर था। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसमें हम बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन या अथॉरिटी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इफ यू वांट रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ दीस काइंड ऑफ वीडियोस यू हैव टू सब्सक्राइब द चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू वांट टू गो फॉर द करंट अफेयर्स ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर मैगजीन्स लाइक योजना एंड कुरुक्षेत्र यू कैन विजिट आवर चहल एकेडमी वेबसाइट, एंड इफ यू वांट टू स्टडी ऑल दीस सिलेबस थिंग्स इन वेरी वेरी डिटेल्ड फॉर्म with PDF notes, materials, with mentorship and offline classes or online registered classes, you can contact us directly on our head branch of Delhi. Besides that, we have 24 branches all over India. You can visit us there. Thank you very much. I'll see you in the next video. Thank you.